राधे राधे सबको। आज ये सुंदर सी ड्रेस बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक ली है जिसकी लेंथ 3.5 इंची है और विड्थ है 20 इंची। इसे हम 3 साइड से फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए तीनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है, कुछ इस तरह से, ना ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली। ये ऐसे हमें डबल फोल्ड करना है 3 साइड से और इसे हमें सिल के रेडी कर लेना है। चलिए मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने तीनों साइड मोड़ लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ये समोसा लेस लगाया है, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया है। ये समोसा लेस हमें नीचे से इसके जो कोन है उसे ऊपर रखते हुए मैं इसकी सीधी पट्टी डाउन साइड में लगा लूँगी। लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने वीडियो को थोड़ा कट करके रखा है क्यों, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको समझ में भी सारा कुछ आए। अब हमें सेम लेस को लेना है और इसे 1 इंची या 1.5 इंची के डिस्टेंस पर हमें फिर ऐसे ही रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये भी हमारा लग के रेडी हो गया। देखिए अभी से ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें छोटी छोटी सी प्लीट्स बनानी है और ये प्लीट्स बना के हमें टॉप पे सिलाई लगा लेनी है। चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। मैंने 2 सिलाई लगाई है, मुझे ये लेंथ थोड़ी लंबी लग रही थी, इसकी लेंथ मैं कम करूँगी। ये बेल्ट की मैंने 4 इंची कमर रेडी की है, तो 1/2 इंची में कट करके हटा दूँगी। इसको कट करके मैंने हटा दिया। अब इसे साइड में रखते हैं और इसके टॉप की स्टिचिंग करते हैं, जिसके लिए मैंने कॉस स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ 10 इंची और विड्थ 2 इंची है। इसे पहले हमें हाफ फोल्ड करना है और हाफ का भी हमें हाफ करना है। अंदर की साइड हमें हाफ एंड हाफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हमें ये स्ट्रिप रेडी करनी है। इसके ऊपर भी मैं समोसा लेस लगाऊंगी। ये रहा है लेस, ये से मैं कुछ इस तरह से रखूंगी और इसके ऊपर जो ओपन साइड था उस साइड से ही मैं इस लेस को लगा लूँगी और इसे अटैच कर लूँगी। ये हमारी लेस रेडी हो गई। अब इसे हम हाफ में फोल्ड करना है, जैसे मैंने बॉटम में डिज़ाइन लगाया है वैसे ही मैं इस पर भी ये डिज़ाइन, देखिए ये सेम बन के रेडी हो गया। अब सेंटर में हमें 2 इंची ऊपर से खुला छोड़ के बाकी हमें सिल लेना है। यहाँ से यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारी सिल के रेडी हो गई। अब हमें इसे सेंटर में इस तरह से अटैच करना है। ये ध्यान रहे, ये लंगोट के साथ वाली ड्रेस आती है, मीन्स ये फुल कवर करती है, हमें राउंड करके लगाना होता है। अब हम बेल्ट के लिए 10 इंची चौड़ी और 1.5 इंची लंबी स्ट्रिप ली है। इसे का हम सेंटर मार्क कर लेंगे और सीधी साइड के ऊपर स्कर्ट की रॉन्ग साइड को हम रखेंगे और इसे सिल लेंगे। इसमें डोरी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सेम इसी स्ट्रिप को मैंने बड़ा रखा है। पहले हम इस टॉप को सिल लेते हैं, सेंटर में रखते हुए इसे हमें सिल लेना है। इसे सिलते हुए ध्यान जरूर रखिए, जैसे मैं सिल रही हूँ वैसे ही आपको सिलना है, वरना ये पैटर्न, ये ड्रेस उल्टी पड़ सकती है। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। ये देखिए, यहाँ थोड़ी सी फैब्रिक एक्स्ट्रा थी उसे भी मैं कट कर लेती हूँ। अब राइट साइड के ऊपर हमें इसके रॉन्ग साइड को रखना है और कुछ इस तरह से सिल लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे राइट साइड में ऐसे करते हुए ऊपर से हाफ एंड हाफ फोल्ड करेंगे और फिर इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और जो हमने बेल्ट वाली स्टिचिंग लगाई हुई है स्टिच, उसे हमें कवर करते हुए इसके ऊपर से ये टॉप स्टिच लगा लेनी है। लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कमेंट और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा। ये हमारी ये ड्रेस बन के रेडी हो गई। अब मैं आपको ये कान्हा जी को पहना कर भी दिखाती हूँ। ये हमारी ड्रेस बहुत ही सुंदर लगेगी, आप इसे जन्माष्टमी पे भी, और अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में
दे रखी है। चलिए मैं आपको ये ड्रेस पहना के दिखाती हूँ। ये मेरे दो नंबर के कान्हा जी हैं। ड्रेस को कुछ इस तरह से हमें पहनाना है। इसके साथ मैंने कैप भी बनाई है। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।